जी नमस्कार। आपको एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आप लोग का स्वागत। तो आज हम लोग जो चैप्टर क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 पार्ट 1 एपिसोड नंबर 1 रियल नंबर पढ़ेंगे। चूंकि 9th में आपने पढ़ाई कर लिया है, अब देखिए एक क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले क्वेश्चन यह है कि इफ काउंटेड इन पेयर्स, अगर पेयर में काउंट किया गया तो रिमाइंडर एक बचेगा, और तीन का पेयर किया गया तो दो बचेगा, चार का पेयर किया गया तीन बचेगा, पांच का पेयर किया गया चार बचेगा, छह का पेयर किया गया पांच बचेगा, और सात के पेयर में नहीं बचेगा। बास्केट में आपको ज्यादा से ज्यादा 150 एग रख सकता है। यह एलसीएम का क्वेश्चन है आपका 10th क्लास का। ये 5-6 में भी पढ़ना था, यानी 2 से भाग देने पर 1 बच रहा है, 3 से 2, 4 से 3, 5 से 4, 6 से 5 और 7 से 0 बच रहा है। यानी यह आपका एपी में है, नीचे भी एपी में है, यह तो कटने वाला हम सर्च करेंगे। तो यहां पर देखेंगे घटा करके, ये 1111, यानी इसकी हम पहले एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 4 5 6 का एलसीएम 60 होगा, 60 में 1 घटा देंगे 59 होगा। यानी यह 59 जो है, चूंकि 7 से नहीं कट रहा है इसलिए आंसर नहीं होगा। अब 60 का हम दुगना करेंगे 120 हो जाएगा, 1 घटा देंगे 119 हो जाएगा, 7 से हम भाग देंगे तो यह कट रहा है, यानी टोटल 1 की संख्या 119 होगा। इस टाइप के और क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा। तो आप सोच कैसे सकते हैं यह बात को जानना जरूरी है। तो अगर यहां पर यह क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, यह क्वेश्चन को आप यहां तक ले जाते हैं, और यहां पर आप क्या करते हैं कि 4 के जगह पर नथिंग कर देते हैं। अब यहां पर 2 से डिवाइड करने पर 1, 3 से 2, 4 से 3 और 5 पर 0 होता, यानी 5 से पूरा पूरा कट जाता है। यानी इसकी एलसीएम लेते हैं तो 2 3 4 का एलसीएम आपका यहां पर 12 हो जाता। अब 12 में से 1 गया 11, इससे नहीं कट रहा है। 12 2 जा 24 होता, 1 घटा देते 23, ये भी नहीं कट रहा है। 12 3 जा 36, -1 कर देते 35, यह 5 से कट रहा है, यानी ये आपका आ जाता। इसी ढंग से और आगे बढ़ा सकते थे, यानी यह गाड़ी प्राइम नंबर पर जाके रुकती है। यानी यहां पर इसको और कहानी को बढ़ाते हैं कि 2 में यहां 1, 3 में 2, 4 में 3 और 5 में 4, 6 में 5 और 7 में 6, 8 में 7, 9 में 8, 10 में 9 और 11 में 0। यानी यहां तक कि आपकी एलसीएम निकालना पड़ता और 11 का ही देखते हैं। तो यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहां पर एलसीएम जो निकलता 2 3 4 5
5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां पर 2 से कटने वाला था 1, 3, यहां पर 2, 5, 3, 7, 4, यहां 9, 5। अब 2 से एक बार और कट जाएगा तो यहां पर 1, 3, 1, यहां पर 5, 3, 7, 2, 9, 5। यहां पर फिर 3 से कटता 1, 1, यहां 1, 5, 1, यहां 7, यहां 2, 3, 5। अब 5 से कटता तो यहां पर 5 से काटेंगे तो 1 बार में 7, 2, 3, 1 हो जाता, यानी 7, यानी यहां पर 2 की संख्या आपका 3 को होता और 3 की संख्या 2 को और 5 एक हो और 7 भी एक हो, यानी 8 9 72 और 7 5 35। अब यहां पर इसको हम लोग हल कर देते हैं तो 5 2 10 हो जाता और 7 5 35 और 3 2 6 41, ये 42 की 2 होता और 7 21 21 4 25, यानी यहां पर 2520 हो जाता। और ये 2520 को आप एक घटा देंगे तो यहां पर 2500 आपका 19 होता, यानी अब देखते हैं कि क्या यह 11 से कट रहा है। तो 11 का कटने का रूल मालूम है कि 2 1 3 होता है और 9 5 14 होता है, 3 में से 14 गया, यहां 11 बचा, यह 11 से कटने वाला है, यानी इसका सही जवाब 2519 होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोचना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इस पर अभी और हम विचार करेंगे, क्योंकि आपका विचार करने से ही कुछ न कुछ बातें होगी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता था यह ध्यान दीजिए, यहां पर 3 है 5 है 7 है, रिमाइंडर 1 2 3 है। अगर यह एपी में है और यह भी एपी में है तो यह बात हो सकता है, प्रत्येक कंडीशन में नहीं है तो इसकी जो डिफरेंस है उससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर 4 6 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1 और 7 6 यहां हुआ। 3 5 7 का एलसीएम निकाल देंगे तो 105 हो जाएगा, जो डिफरेंस है उसको घटा देंगे और यहां जो डिफरेंस है उससे भागा दे देंगे, यानी 104/2, यानी यहां पर हल करेंगे 52 हो गया। आपने इसको 52 को गौर से देखो, यहां पर 3 से डिवाइड किया है तो 17 3 यहां पर 51 हो गया, रिमाइंडर 1 बच रहा है। 5 से यहां पर डिवाइड करो 52 को तो यहां पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 10 5 50 हो जाएगा, यहां पर तुम्हारे पास 2 आ गया। 7 से हम भागा देंगे यहां पर 52 को तो 7 7 49 हो जाएगा और यहां पर 3 हो जाएगा। आपने क्या देखा, ये बात यहां पर वर्ड आएगा, क्या देखा, आप देखेंगे कि ये वाला में से इसको घटाया गया है तो ये आया है, यानी आप कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कोशियंट माइनस मिडिल कोशियंट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट डिविजर हुआ है। या अभी एक प्रश्न और बना लेंगे तो आपके पास अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये मैथमेटिक्स को सीखना यहां पर जरूरी है। आइए हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं, यहां पर ले लिया 3 7 11 1 2 3 से बचता है। ध्यान दो, यहां पर तुम्हारे पास देखोगे कि 3 7 11, यानी 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, 7 पर 2 बचता है, 11 पर 3 बचता है, यानी आप यहां पर देखोगे कि इसकी जो डिफरेंस घटाओगे तो 2 आया 5 आया और यहां पर घटाओगे तो 8 आएगा। लेकिन अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब 3 में से 4 गया तो यहां -1, यहां पर भी -1 और यहां पर भी -1 हुआ। अब 3 7 का 11 का एलसीएम निकाल लेंगे तो यहां पर 3 7 11 का एलसीएम 21 गुने यहां पर 11 हो जाएगा, 11 ही 11 हो गया, 11 2 9 22, यानी 231 हो गया। ये -1 है तो यहां पर +1 हो जाएगा
और चूंकि डिफरेंस चार का है तो चार से भाग दे देंगे, यानी 232 बटे चार हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और यहां 4 × 8 = 32 यानी 58 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे कि 58 में क्या सच्चाई है, तो 58 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, 59 × 57 यानी 57 हो गया, रिमाइंडर 1 बच गया। अब हम 7 से हम भागा देंगे 58 को, तो 49 × 56 हम करेंगे, यहां पर रिमाइंडर 2 बच गया। अब यहां पर 11 से हम करेंगे 58 को, तो 11 × 55 यहां पर 3 बच गया। अब गौर से देखिए कि इसमें से इसको घटाते हैं तो ये आता है कि नहीं, यानी यहां पर ग्रेटेस्ट क्वोशंट माइनस मिडिल क्वोशंट इक्वल टू ग्रेटेस्ट डिविजर हो रहा है, यानी सब्जेक्टिव बनाना चाहेंगे तो वह छोटी सी संख्या x हो जाएगी और x माइनस 1/3 और यहां पर x माइनस 2/7 इक्वल टू ग्रेटेस्ट डिविजर 11 है। इसी सॉल्व को हम कर देंगे तो x का वैल्यू 58 निकल जाएगा, यानी पीछे वाले पेज को भी सब्जेक्टिव आप बनाना चाहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहां x माइनस 1/3 एक ग्रेटेस्ट वाला आ जाएगा और यहां पर x माइनस 2/5 इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये आपका आप देख रहे हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब इक्वली डिविजन लेमा क्या कहता है, अभी आपने डिविजन करना सीखा, यानी यहां पर तुम्हारा क्लास को इंडिकेट करता है, यानी क्लास कैसे इंडिकेट होगा ये जानना जरूरी है। अब यहां पर ये A है और ये B है, ये वाला Q है और ये वाला R है, यहां पर बचा से, यानी A बराबर हम BQ प्लस R लिख सकते हैं, यह बात आपका क्लियर है। यह R जो है रिमाइंडर को इंडिकेट करता है, R जो है रिमाइंडर को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, रिमाइंडर को इंडिकेट करता है। अब यहां पर R यह 0 क्लास का होगा जिसे हम इवन कहते हैं, अगर यहां R की वैल्यू 1 होगा इसे हम ऑड कहते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन अब समस्या यह है कि अगर तुम्हारे पास ये 2 अगर बचा तो यानी 2 कब बचेगा, यानी यहां पर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 और 1 बचेगा, लेकिन अगर हम 3 का अगर हम बात करें तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 0, 1, 2 बचेगा, यह बात का आपका क्लियर है। तो यहां पर तुम्हारे पास ये वाला क्लियर है, तो ये वाला इवन में ही काउंट होगा और यही रिमाइंडर 3 बचेगा तो ये ऑड में काउंट होगा, यानी आपको ये बात को समझना जरूरी है कि यहां पर भागा किससे दिया गया है। अगर B की वैल्यू 2 है तो इसके 2 क्लास बनेंगे, एक 0 क्लास और एक 1 क्लास। 0 क्लास वाले को इवन कहेंगे और इसको हम ऑड कहेंगे, इसको हम 0 को इवन कहेंगे, 1 को ऑड कहेंगे। जब हम 3 से बांटेंगे तो क्या क्या क्लास मिलेगा, एक 0 मिलेगा, एक 1 मिलेगा और दूसरा 2 मिलेगा, ये दोनों इवन होगा और ऊपर वाला ये ऑड होगा। हम समझते हैं कि यह बात समझने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर है भी तो यह बात को तुम कर सकते हो और नहीं है तब भी यह बात को पूछ सकते हो, यहां पर तुम्हारे पास ये बात को जानना जरूरी है, ये तुम्हारे पास ये क्लियर है। लेकिन यहां पर देखो एक शक होगा, खास करके 3 वाला में, कि अगर 3n + 0 रखोगे तो यहां 3 के मल्टीपल में यह कंडीशनली हो जाएगा कि n पर डिपेंड करेगा, अगर n वाला अगर ऑड रहेगा, क्या रहेगा, और ऑड प्लस इवन आपका ऑड होता है तो ऑड हो जाएगा, लेकिन अगर ये वाला इवन है और ये भी वाला इवन है तब इवन होगा। या n इवन वाला पर हम बात किए हैं, n इवन वाला पर बात किए हैं, यहां पर और पुनः पेज लेना पड़ेगा तब यह लेमा तुम्हारे पास क्लियर होगा। यह बात को तुमको यहां पर समझना पड़ेगा कि तुम्हारा पास कैसे कैसे होगा। तो यहां पर पहले हम 2 का हम देखते हैं, तो 2 का यहां पर 0 और 1 आया,
दो के बाद हम चार पर चलते हैं, तो चार के लिए जीरो, यहां पर वन, यहां पर टू और यहां पर थ्री। यहां पर देखो, इसको इवन कहा गया और इसको ऑड कहा गया। यहां पर ये इवन है, ए वाला ऑड है, ए वाला इवन है, ए वाला ऑड है। इसी ढंग से अगर हम बात करें छह का, तो यहां पर जीरो और यहां पर वन, यहां पर टू, यहां पर थ्री, यहां पर फोर और यहां पर फाइव। तो ये वाला ऑड होगा और ये वाला इवन होगा। यानी आपका यहां पर एक प्रश्न बन सकता है। वह प्रश्न क्या बन सकता है कि यहां पर अगर दो से हम डिवाइड करते हैं, तो यहां पर टू का क्यू प्लस जीरो और यहां पर टू क्यू प्लस वन, ये वाले को इवन कहेंगे, ये वाले को ऑड कहेंगे। इसी ढंग से अगर हम चार से डिवाइड करें, तो यहां पर इवन का डिफिनेशन को हम कह सकते हैं कि चार के मल्टीपल प्लस जीरो हो, चार के मल्टीपल प्लस टू हो, यह बात को हम बोलेंगे। और ऑड के लिए हम बोल सकते हैं कि चार के मल्टीपल प्लस वन हो और यहां पर चार के मल्टीपल प्लस थ्री हो। यहां पर छह के लिए हम बोल सकते हैं कि सिक्स एम प्लस जीरो और यहां पर सिक्स एम प्लस टू और यहां पर सिक्स एम प्लस फोर, ये इवन वाला का हो जाएगा और ये ऑड वाला का यहां पर सिक्स एम प्लस वन और सिक्स एम प्लस थ्री और यहां पर सिक्स एम प्लस फाइव हो जाएगा। यह बात तुम यहां पर सीख रहे हो, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे पास आगे हम बात करते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि यूज द यूक्लिडियन एल्गोरिथम, फाइंड द एसीएफ ऑफ 4052। यहां पर अब इसकी हम बात करेंगे। तो यहां पर देखोगे कि रफ आइडिया करने से पहले यहां पर कर दो 4052 को, यहां पर 12576 है, इससे कर दो डिवाइड। डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास कितना बार में लगेगा, या तीन बार में लग सकता है। तो तीन बार में लगा दिए, तो थ्री टाइम्स लगाया तो तीन दुना छह हो जाएगा, पांच तिहाई पंद्रह हो जाएगा और चार तिहाई बारह हो गया। अब यहां पर छह का छह जीरो हो गया, सात में से पांच गया तो यहां दो बचा, पांच में से एक गया तो यहां पर चार हुआ। अब यहां ये जीरो जीरो आ गया। अब 420 को फिर 4052 से हम करेंगे। अब यहां पर तुम्हारे पास कितना लग गया, तो यहां पर चार बार में तो नहीं लगेगा, ये 420 है तो यहां पर चार नवा 36, नौ बार में लग सकता है जीरो, और नौ दुनी 18 और नौ चौ को 36 एक 37। यहां पर ये टू हो जाएगा, यहां पर ये 15, 15 में से 8 गया तो 7, यहां 9, ये 272। अब यहां पर 272 को 420 से हम डिवाइड करेंगे, एक बार में रहेगा 272, यहां 8, यहां 11, यहां 4 और यहां 148। 148 को फिर 272 से हम करेंगे तो आपको आ जाएगा, दो बार में तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार में आया 148, ये 12 हुआ 4 और ये वाला तुम्हारे पास 6 तो 2 और यहां 124। फिर 124 को तुम्हारे पास 148, एक बार में लगा 124, यहां 24, यहां पर 124 को 24 पचे 20 से 120, 4 और 4 में 24, 4 छक 24, यानी 4 आ गया। अब यूक्लिड एल्गोरिथम से कैसे लिखोगे, यह बात तुम्हारे पास है। यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हो, यह बात लिखने का यहां पर प्रयास। यानी यहां पर 12576 इज इक्वल टू, तुमको लिखना पड़ेगा 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस आपका 420। पहला स्टेप हो गया। अब तुम्हारे पास क्या होगा, ये वाला शिफ्ट होगा यहां, यानी 40 52, यानी यहां पर फिर 420
मल्टीप्लाई यहां 9, रिमाइंडर आपका 272। यह क्रिया पुनः फिर यहां आ जाएगी 420 और यहां पर 272 मल्टीप्लाई 1 और यहां पर 148। अब यहां पर 272 यहां आ जाएगा तो यहां पर 148 मल्टीप्लाई 1 और यहां पर 124। अब 148 यहां आ जाएगा 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। अब 124 यहां आ जाएगा 24 इंटू 5 प्लस 4। अब 24 यहां आ जाएगा तो 4 इंटू 6 प्लस 0 यानी इसका एसीएफ 4 हो गया। हम समझते हैं कि तुम लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से, तो इस ढंग से बनाना है लेकिन रफ आइडिया जरूर कर देना है। अब तुम्हारे पास अगली प्रश्न है, सो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो यहां पर सिंपल से लॉजिक लिखोगे कि इंटीजर्स को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक 2q प्लस 0 के फॉर्म में आएगा और एक 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। इसको हम इवन कहते हैं, ये वाले को ऑड कहते हैं। अब यहां पर देख लिखोगे तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 8 हो गया, लिखते चले जाओगे। अब ऑड वाला में इसमें लिखोगे तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, लिखते चले जाओगे। पहला प्रश्न का जवाब आपका मिल गया है। अगला क्वेश्चन है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 और q इज द सम इंटीजर्स। यहां पर तुमको हमने बताया है, ध्यान दीजिएगा कि इंटीजर्स को अगर हम 4 से भागे यानी z4 निकालें तो इसका क्लास 0 क्लास होगा, 1 क्लास होगा और 2 क्लास होगा और यह 3 क्लास होगा। अब तुम्हारे पास इसमें हम बताए थे कि यानी 4 के मल्टीपल से 0 होगा, यहां पर 4 मल्टीपल प्लस 1 होगा और यहां पर 4 मल्टीपल प्लस 2 होगा और यहां 4 मल्टीपल प्लस 3 होगा। इसको हम इवेन बोले थे, ए वाले को भी इवेन बोले थे और ए दोनों के बारे में बोले थे ऑड। यही बात यहां लिखा हुआ है, यानी आप पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को देखो, 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, 11 आया। तो यहां पर देखोगे कि 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है और यह 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है, 4 के मल्टीपल से 1 है और 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है कि नहीं है, इससे यह साबित हो गया। अब तुम्हारे पास अगली प्रश्न जो आता है वो ये है, स्वीट सेलर है 420, लानी बर्फी 130, बादाम बर्फी को बेचना चाह रहा है और वहां पर एटलीस्ट एरिया उसका कवर हो, यानी एसीएफ निकालना पड़ेगा। यानी यहां पर 130 भागा 420 करेंगे, यहां पर लग जाएगा 13 × 39 390 0 और ये 12 ही 3 आ गया। अब ये वाला 0 हो गया। अब 0 30 को 130 बार में लगाया तो 4 बार में लगा 120 हो गया, 10 को 30 से लगाया 30 हो गया। अब तुम्हारे पास ये 10 इसकी आगे एसएफ और 10 इसका आंसर हो गया, लेकिन हम बनाएंगे कैसे, तो 420 तो 130 गुने 3 प्लस 30। अब 130 यहां आ जाएगा तो 30 गुने 4 प्लस 10। अब 30 यहां आ जाएगा 10 गुने 3 प्लस 0, इसलिए एसीएफ इसका 10 हो जाएगा।
यानी ये बात भी आपका ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन सीरीज का टाइम आ गया है, यानी 25 मिनट हमने बिता दिया है। आइए देखते हैं एक्सप्रेस इच ऑफ द नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालना है 140 का, तो यहां पर ये 2 से कटा, तो 2 से कटा यार 70 हो गए, फिर 2 से कटे 35 हो गए, और यहां पर 5 से कटे 7, यानी यहां पर 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1। इसी ढंग से यहां पर 156 है, यहां 156 को हम भागा दिया 2 से, तो 7 दूना 14, अब 8 दूना 16, फिर 2 से दिया 3 दूना 6, 9 दूनी 18, यहां पर 3 से दिया ये 13 हो गया, यानी 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1। इसी ढंग से यानी इसको तुम लिख सकता है 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, और इसको 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 13 के पावर 1। अब 3825 को इसी ढंग से लिख देना, 5 5 को और 7429 को आराम से लिखते चले जाओगे। फाइंड द कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आइए हम लोग देखते हैं, पहले 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो यहां पर 26 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 1 और यहां पर 13 के पावर 1 करेंगे, और यह 91 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहां पर 7 के पावर 1 और 13 के पावर 1 करेंगे। यह बात आपका क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है? यह बात आपका बिल्कुल क्लियर है। और एलसीएम बराबर होता है आपका हाईएस्ट पावर, यानी 2 के पावर 1, 13 के पावर 1, 7 के पावर 1, और एचसीएफ बराबर होता है लोएस्ट पावर, यानी दोनों में 13 के पावर 1 कॉमन है। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ कह रहा है तो 2 × 13 × 7 और यहां पर 13, और नंबर में है आपका 26 × 91, तो यह आपका बराबर है। इसी ढंग से अगला क्वेश्चन है 510, यानी अब हम आपको 510 का हम देखेंगे, तो यहां पर 510 का अगर हम बात करें तो इस पर काला ज्यादा दिखेगा, तो यहां पर 510 की अगर हम बात करें तो 510 में यहां पर देखिए 2 से कट रहा है, 2 दूना 4 हो गया, और यहां पर 11 यानी 255। अब यहां पर जो है 5 × 2 = 7, 5 = 12, 3 से कट रहा है, 8 × 3 = 24, और यहां पर 3 × 5 = 15 और 17 × 5 = 85, यानी 5 से ये 17 बार में कट गया। यहां पर 92 को हम करेंगे, 2 से भागा दिया तो यहां 46 हो गया, और यहां 2 से भागा दिया तो 23 हो गया, यानी यहां पर 510 को हम 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 17 के पावर 1 लिख सकते हैं। यही 92 को 2 के पावर 2 और 23 के पावर 1 लिख सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर होता है तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 17 के पावर 1 और 23 के पावर 1 होगा। और एचसीएफ निकालेंगे तो अब तुम्हारे पास 2 के पावर 2 में 2 के पावर 1 ही केवल कॉमन होगा, यह आपका निकालने आ गया। इसी ढंग से अगला प्रश्न है तुम्हारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी जो हम बताएं उसी टाइप का है, अभी तुम्हारा 12 का यहां पर निकाल देना है, 15 का निकाल देना है और 21 का निकाल देना है। रेड पेन ले लेंगे तो और बढ़िया से दिखेगा, यहां पर 12 का, यहां पर 15 का और यहां पर 21 का। इसी ढंग से है यहां पर 17 का, 23 का, 29 का निकाल देंगे, यहां पर 8 का, 9 का, 25 का निकाल देंगे, आराम से फैक्टराइजेशन करके निकल सकता है। यहां पर तुम्हारे पास कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब यहां पर गिवन एचसीएफ दिया हुआ है और यहां पर गिवन एचसीएफ 306 और 697 का 9 है और एलसीएम इसका निकालना है, तो यहां पर सिंपल है कि यहां पर ये एलसीएम बराबर फॉर्मूला हो जाएगा
कि एलसीएम इंटू एसीएफ इक्वल टू नंबर होता है तो यहां पर 306 × 657 डिवाइडेड 9। अब 9 से जो कट रहा है उसको काटने का प्रयास किया जाए, 963 यहां पर और यहां पर 63 और तो यहां पर हो गया 27 यानी 9 × 27 यानी 306 × 73 हो जाएगा। यानी यहां पर फॉर्मूला तुमको हम बताया है कि एलसीएम इंटू एसीएफ इजिकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अगला प्रश्न, चेक वेदर 6 कैन बी द डिजिट 0। 6 पर कभी नहीं आएगा, यह आपको देखना है 6 के पावर n यानी 6 के पावर 0 करोगे 1 होगा, 6 के पावर 1 करोगे 6 होगा, 6 के पावर 36 होगा, यानी 0 लाने के लिए आपका 2 के पावर 1 चाहिए, 5 के पावर 1 चाहिए तो 10 में 1 0 आएगा, यानी 2, 5 का वहां पर फैक्टर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यहां पर कह रहा है एक्सप्लेन द 7, 11, 13 और यहां पर यह है तो यह आपको बताना है। देखो यहां पर 13 कॉमन है तो यानी 7 × 11 + 1 लिखेंगे, ये कॉम्पोजिट नंबर है। इसी ढंग से यहां पर 5, 5 भी कॉमन है, यह भी कॉम्पोजिट नंबर है। अगला प्रश्न तुम्हारे पास, देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पॉट फील्ड सोनिका टैक्स 18 मिनट और ये 12 मिनट। अब 18, 12 का तुम्हारे पास निकाल दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, यानी एलसीएम निकालोगे तो यहां पर 18 × 36 12 × 36 हो जाएगा, तुम्हारे पास काम हो जाएगा। ये तुम्हारे पास हो गया है। अब इसमें तुमको देखो क्या क्या सीखा, यह बात तुमको सीखने में कोई तरह का दिक्कत अगर है तो बोल सकते हो, जवाब होगा नहीं। तो यानी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बने रहें।